हाय एवरीवन, गुड इवनिंग यार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है? गुड इवनिंग, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। गुड। एक मिनट यार। यस हाँ, ऑल लाइव। चलो ये सेट हम लोग करेंगे यार। ऑल फाइन। चलिए ऑल सेट। चलो गुड इवनिंग एवरीवन। क्या चल रहा है बताओ? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? ऑल गोइंग फाइन। लॉट ऑफ गाइस आई कैन सी जस्ट दे हैव जंप फ्रॉम एलआरडीए क्लास। अभी अभी उन्होंने प्लस पे एलआरडीए क्लास खत्म किया है एंड दे हैव जस्ट जंप फ्रॉम देयर टू हियर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो चलिए सॉल्व करेंगे। मैंने कहा 6:20 से क्लास होगा, मैंने पहले बता दिया था। तो तुम अपने पहले सर 21 मिनट से वेट कर रहा हूँ कि तुम किसी और का वेट कर रहे होगे। मैंने पहले बता दिया कि क्लास 6:20 से करेंगे। मैंने क्लास में बोल दिया था। अब किसी और का वेट करोगे तो तुम किसका, मुझे क्या था तुम किसका वेट कर रहे हो? सर मैं 21 मिनट से वेट कर रहा हूँ। किसका? अपनी क्रश का। तो फिर ये मैथ थोड़ी, तो उसमें मैथ रिस्पॉन्सिबल हो। चलिए ये सभी हमने दो बढ़िया बढ़िया सेट किया प्लस प्ले। चलो ये भी अच्छा सेट है, ये और भी बढ़िया सेट है ये। एक सेट करेंगे 45 मिनट्स। चलो हो जाएगा 45 मिनट्स में। करेंगे यार, कितना काम कराओगे मुझसे? एआईएमटी का एनालिसिस भी मैं ही करूँ, कर दूंगा। ठीक है, विल डिस्कस। कल एक सेशन लूंगा मैं, पूरा तो नहीं करूंगा, बट विल डिस्कस कि कैसे पेपर करना चाहिए था। ठीक है, फिर अभी दो तीन एआईएमटी दे लोगे, फिर एक बार कंबाइंड करेंगे।
जब तो स्टार्ट किया जस्ट दो ना अभी आराम से एम टी या बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे हुए। ओके प्लस क्लास मैंने रजनीश रात में 10 PM पे। ओके आई शेयर देयर। चलो कुछ सेट समझ में आ रहे हैं वाला। एबल टू क्रैक द सेट, कुछ सॉल्व कर रहे हो सेट को। ट्राई करो 10 मिनट्स, ट्राई करो जरा, ट्राई फॉर 10 मिनट्स, फिर डिस्कस करेंगे इसको। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छा सेट है ये, दिमाग लगेगा थोड़ा, ब्रेन कैपिटलाइजेशन होगा पूरा। यू नीड टू यूज 100% ऑफ योर ब्रेन। क्या हम 100% ब्रेन यूज कर पाएंगे? इंटीजर्स है साइड में, साइड के इंटीजर वैल्यू हैं, तो दैट मीन्स कि साइड्स के वहां पे इंटीजर वैल्यू हैं। ठीक है, जब 10 मिनट अच्छे से ट्राई करो, एकदम डोंट गिव अप एटीट्यूड के साथ ट्राई करो अच्छे 10 मिनट तक। ओके पूरा ट्राई करेंगे, पूरा सोच लेंगे सब कुछ, क्या दिमाग लगना है, क्या लगना चाहिए, तभी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड होगा। ठीक है, एंड जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड होगा उसके बाद भले सेट हो चाहे नहीं हो कोई बात नहीं, ठीक है, बट सेट के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि जस्ट गो डीप इनटू दिस सेट, ट्राई करो, बनाओ कुछ, सॉल्व करो, क्रॉस करो, बहुत ज़रूरी है। ओके ये मत सोचो कि 6:30 हो गया है, पार्क में जाना है, वो आ गई होगी, ये सब नहीं सोचना है, पूरा सेट पे ध्यान रहना चाहिए हमारा। एंड 8 डिजिट फोर्थ लाइन समझा दे। फोर्थ लाइन कैसे होगा? 1 2 3 4। क्यूब विथ इंटीग्रल साइड, इंटीग्रल इंटीजर होता है यार, इंटीग्रल मीन्स होता है इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, दैट्स इट, और क्या ही सोचना है इसमें।
कुछ छोड़ने से नहीं होगा, ठीक है, करेंगे सेट को ऐसे ना, सब सेट आते हैं, सब छोड़ते होगा, सब सेट कैसे काम चलेगा? जब जब कोई अच्छा सेट देता हूँ क्लास में, तो लोग यही हाल है, सर ये सेट तो एग्जाम में छोड़ देना अच्छा रहेगा ना सर, सब कैट में समझ लेते हैं, कैट में क्या आएगा, हेलो आएगा कैट में। देखो बताता हूँ, अनएक्सपोज्ड क्यूब का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, तो मीनिंग ऑफ अनएक्सपोज्ड क्यूब इज बेसिकली कि जैस जब भी आप ना, जैसे मान लो कोई क्यूब आपने लिया, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस, द मीनिंग ऑफ अनएक्सपोज्ड क्यूब क्या होता है। तो मान लो मेरे पास, मैंने यहाँ पे कोई क्यूब ड्रॉ किया, ठीक है, सो आई ड्रॉ वन क्यूब, आई ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई एक क्यूब ड्रॉ किया भाई इस तरीके से। तो मान लो ये क्यूब में ना, इस क्यूब में हमने ऐसी कटिंग की है कि मान लो ये ऐसा कुछ क्यूब कट हो सकता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैन गो लाइक दिस, ठीक है, अगर आप ऐसे क्यूब को कट करते हो तो ओके, इफ यू कट द क्यूब लाइक दिस, तो इसमें टोटल कितने क्यूब निकल के आएंगे बताओ। तो आप बोलोगे इसमें टोटल 27 क्यूब्स निकल के आएंगे, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं 3 3 कट किया, देखो यहाँ पे कट कट किया है ना, यहाँ पे मैंने कैसे कट किया है, तो हर एक फेस पे 3 का आएगा, तो आपका आपका 9 × 9 × 9 आपका 27 क्यूब निकल के आएगा। इस 27 क्यूब में अनएक्सपोज क्यूब कितने हैं, मतलब जो क्यूब का एक भी फेस बाहर में एक्सपोज नहीं किया गया है, राइट। तो जैसे ये तुम्हारा क्यूब क्या है, सॉरी 9 × 9 लिखा है मैंने, 3 × 3 × 3, ओके, तो जैसे ये आपका ये क्यूब क्या है आपका, तो आप बोलोगे जैसे ये क्यूब है ना, तो मैंने इस क्यूब को ओपन कर दिया, तो इस क्यूब को ओपन करने का मतलब बेसिकली क्या है कि आप देखो, आप ना ऐसे सोचो कि आपने यहां से एक लेयर कट कर दिया, तो आप यहां सोचो कि आपने ना ये लेयर कट करके हटा दिया, ठीक है, फिर सोचो कि यहां से हमने एक लेयर यहां से कट करके हटा दिया, और हमने यहां से एक लेयर यहां से कट करके हटा दिया, ठीक है, जब हमने यहां से तीनों लेयर कट कर दिया, तो बेसिकली हमने क्यूब को ओपन कर दिया, समझ रहे, सुनना ध्यान से मेरी बात, तो अगर आपने क्यूब को ओपन कर दिया, तो क्यूब को आपने बाहर, मान लो जैसे अगर ये पूरा क्यूब था, ये बाहर से क्या है, ये बाहर से रेड पेंट है ना, हमने क्यूब को ओपन कर दिया, ओपन का मतलब क्या है कि सिर्फ अंदर का एक क्यूब दिखेगा, तो अंदर में यहां पे सिर्फ एक क्यूब होगा जो कि अनएक्सपोज्ड है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे अनएक्सपोज्ड सिर्फ एक ही क्यूब है, सो अनएक्सपोज्ड इज वन क्यूब ओनली, है ना, तो जो तुम्हारा, क्योंकि आपका ये, आपका जैसे यहां पे क्या है, आप बोलोगे सर यहां पे लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो लेंथ में हमारे कितना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, यहां कितने क्यूब है, 3 × 3 × 3, मैं क्या बोल रहा हूं कि लेंथ से तुमने आगे का एक, तुमने क्या किया, तुमने आगे का एक लेयर कट कर दिया, एक लेयर कट कर दिया और पीछे से एक लेयर कट कर दिया, तो तुमने लेंथ को 3 से कितना कर दिया, तुमने 3 से 1 कर दिया, तुमने ब्रेथ को कितना कर दिया, ब्रेथ तुम्हारा ये, तो तुमने ब्रेथ को भी कट कर दिया, इधर से एक एक लेयर हटा दिया, तो लेयर रिमूव कर दिया क्यूब का, बोलोगे 3 से 1 कर दिया। सिमिलरली हमने हाइट भी यही काम किया, हमने यहाँ पे क्या किया, 3 से 1 कर दिया, तो आप बोलोगे अंदर में एग्जैक्टली एक क्यूब होगा जिसका एक भी फेस विजिबल नहीं है, तो अंदर में क्या होगा, एग्जैक्टली एक क्यूब होगा जिसका एक भी फेस विजिबल नहीं है, ठीक है, तो दैट इज ऑलवेज मीनिंग ऑफ अनएक्सपोज्ड क्यूब। मान लो मैं बोलता हूं कि अगर मान लो मैं बोलूंगा कि सपोज मेरे पास एक बड़ा सा क्यूब है 125 स्मॉल क्यूब्स है, हाँ हम उसमें कट कर सकते हैं, मतलब तुम्हारा कितना है 5 × 5 × 5 बोल सकता हूं मैं, है ना, तो बोलोगे सर अंदर में इसमें अनएक्सपोज्ड कितना होगा, समझ रहे हो, तो बाहर से 5 × 5 × 5 का क्यूब दिख रहा है, अंदर में अनएक्सपोज्ड जो जिसका तो वो फेस नहीं दिख रहा है क्यूब का, वो कितना होगा, बोलोगे सर लेंथ में से 2 रिमूव कर दिया, ब्रेथ में से 2 रिमूव कर दिया, है ना, और हाइट में 2 रिमूव कर दिया, तो ऊपर नीचे से एक लेयर कट कर दिया, साइड से एक लेयर कट कर दिया, और लेंथ विड्थ से एक लेयर कट कर दिया, तो अंदर का क्यूब निकलेगा, हमने क्यूब को क्या कर दिया, लिटरली हमने क्यूब को ओपन कर दिया, सिर्फ अंदर के क्यूब दिखेंगे क्योंकि बाहर उसका एक भी फेस विजिबल नहीं था, है ना, तो जब आप क्यूब को पेंट करोगे तो उन अनएक्सपोज क्यूब तक आपका ब्रश नहीं पहुंचेगा, राइट, वो होते हैं अनएक्सपोज क्यूब। तो क्या करते हैं उसके लिए, हम लिटरली दो दो माइनस कर देते हैं, तो 5 × 5 × 5 का अगर क्यूब था तो मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 27 अनएक्सपोज्ड क्यूब हो जाएंगे, ठीक है, ऑल इन अबाउट द मीनिंग ऑफ अनएक्सपोज्ड क्यूब्स, ये सबको मीनिंग समझ में आया अनएक्सपोज्ड क्यूब्स का, है ना, तो तुम कभी भी निकाल सकते हो, तुम्हारे पास कितने भी क्यूब्स हैं यहाँ पे, उसमें अनएक्सपोज्ड क्यूब क्या होंगे, दो दो हमको माइनस कर देना है, राइट, तो हम बेसिकली जब हम यहाँ पे बेसिकली ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे एन क्यूब है ना, अगर मेरे पास कोई क्यूब है
मेरे पास कोई भी क्यूब है जिसमें n क्रॉस n उसका लेंथ ब्रेथ हाइट है, हम क्या बोलेंगे, दो दो माइनस कर देना है। क्या बोलोगे, n माइनस टू बचेगा लेंथ, n माइनस टू बचेगा ब्रेथ और n माइनस टू बचेगा हाइट। मतलब हम लेंथ से दो लेयर हटा दे रहे हैं, ब्रेथ से दो लेयर हटा दे रहे हैं और हाइट से भी दो लेयर हटा दे रहे हैं, है ना। तो अंदर का क्यूब निकल जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, n माइनस टू का होल क्यूब। ओके, तो दो दो माइनस कर, दिस इज कॉल्ड अनएक्सपोज्ड क्यूब। ठीक है, नाउ टेल मी, ये टर्म सबको क्लियर है राइट? दिस टर्म इज क्लियर टू एवरीवन नाउ? कोई डाउट किसी को कहीं पे भी? नहीं, ठीक है, फाइन, ओके। नाउ तो देखो, किसी से अब सेट आगे बढ़ते हैं, सेट सॉल्व हो गया, से एनीबडी वाज एबल टू सॉल्व दिस सेट? देखो एक एक करके सेट समझते हैं यहां पे। ओके, पासवर्ड 1918911 है क्या? साइन थे किसी, ये तुम्हारे वाले तिजोरी का पासवर्ड होगा यार, इसका तो पासवर्ड नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये वाला पासवर्ड नहीं है हमारा। ओके, तो देखो अब ना लेट्स लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये देखो, तो यहां सवाल बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इट सेज दैट एन 8-डिजिट पासवर्ड ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटी हैज बीन सेट बाय अ मैथमेटिशियन, ओके, एंड दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द नंबर 9261000, वेयर 9261000 इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्टैंडर्ड क्यूब। ठीक है, अब तुम्हारा इस केस में कितना आएगा, दिस स्टैंडर्ड क्यूब इज जॉइड हाइपोथेटिकली इन टू एन नंबर ऑफ क्यूब। देखो पासवर्ड कितना है यहां पर, अंडरस्टैंड दिस, एक ही चीज तुम्हारा क्या है, तुम्हारे यहां पे 8 डिजिट का पासवर्ड है। ठीक है, 8 डिजिट का पासवर्ड, पहले चीज ध्यान रखना है, फाइन। फिर तुम्हारा क्या है, इसने हमने क्या किया, इस एन क्यूब को, तो 9261000 क्या है, वॉट इज दिस, ये एक स्टैंडर्ड क्यूब का वॉल्यूम है। तो आपको पता है कि किसी भी स्टैंडर्ड क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, आप बोलोगे एन क्यूब होता है ना, ठीक है, तो किसी भी स्टैंडर्ड क्यूब का वॉल्यूम तो एन क्यूब होता है, तो एन क्यूब इज इक्वल टू कितना, 9261000। आपने आपको अभी तक ये मिल गया होगा कि 221 का क्यूब है, मतलब इतना बहुत कॉमन, बहुत ज्यादा पढ़ा है हमने, एस आई सी में बहुत नंबर का ऐसा यूज हुआ है, नंबर से ऐसा नंबर का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये 921 का क्यूब है, थोड़ा थोड़ा गेस भी कर लेना कि आपको पता है कि जस्ट जस्ट फोकस ऑन दिस 9261। तो आपको पता है कि इसके अराउंड मेरे को याद है कि 20 का क्यूब 8000 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्यूब एंडिंग इन वन है, तो आपको 21 क्यूब के लिए चेक करना चाहिए था, एंड 21 क्यूब आपका एग्जैक्टली क्या होता, 9261000 हो जाता। दैट मीन्स हमारा एन कितना हो जाएगा, सो एन विल बी 21 एंड सिंगल जीरो। बोलो एन तुम्हारा कितना होगा, एन वुड बी 21 जीरो, है ना। तो बेसिकली कैन आई राइट दिस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो मैं एन क्यूब को लिख सकता हूँ यहाँ पे, 21 क्यूब इंटू 10 क्यूब लिख सकता हूँ ना एन क्यूब को, तो आई कैन राइट एन क्यूब एस, ये तुम्हारा 21 क्यूब है, ये तुम्हारा 10 क्यूब है, लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, नाउ दिस स्टैंडर्ड क्यूब इज डिवाइडेड हाइपोथेटिकली, सब कुछ समझना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन करना बहुत ईजी है, मतलब बहुत जरूरी है कॉन्सेंट्रेट करना, जब भी थोड़ा डिफिकल्ट सेट आता है ना, सो नीड टू ब्रेक दैट सेट, अभी माइंड डेवलप करता है, ठीक है, सोचना या जो मैं बोल रहा हूँ आपको सोचने के लिए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और थोड़ा सा पेशेंस समझना, ठीक है, ये नहीं सर बीच में नहीं समझ आ रहा, गिव अप कर दिए, तो ये जब भी करते हो तो बगल में लिख लिया करो, डोंट गिव अप, जब तक सेट खत्म नहीं करेंगे जब तक समझेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं उसको। ओके, तो बहुत जरूरी है समझना पूरे सेट को एंड तक। तो स्टैंडर्ड क्यूब आपका हाइपोथेटिकली एन नंबर ऑफ क्यूब्स विद इंटीग्रल साइड वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। देखो जब भी हम किसी क्यूब को डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, तो जब भी हम किसी भी क्यूब को डिवाइड करेंगे, तो क्यूब को डिवाइड डिवाइड करने का मतलब क्या है कि उसी क्यूब का फैक्टर होगा, क्यूब को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि उसी क्यूब का फैक्टर्स होगा ना यार, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सपोज मेरे पास, मैं बोलूंगा एक बड़ा सा, मैं ना मैंने मैंने बना एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे मैं बोलूंगा मैंने एक बड़ा सा यहाँ पे क्यूब बना लिया, ठीक है, सो आई मेड वन क्यूब हियर। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक क्यूब बनाया इस तरीके से राइट, तो ये क्यूब में से हमको इसको छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करना है, तो छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कैसे, मान लो मैंने एक इस क्यूब में डिवाइड करना है हमको यहाँ पे, एक और क्यूब में डिवाइड करना है, एक और क्यूब में डिवाइड करना है, तो ये सारे इसी के फैक्टर होंगे ना, मान लो तुम्हारे इसी के फैक्टर होंगे ये, मान लो ये तुम्हारा बोलोगे सर 21 क्यूब 10 क्यूब था, इसी का फैक्टर होगा, या तो मैं बोलूंगा यार इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तुम बोलोगे सर इसका फैक्टर 1 क्यूब हो सकता है,
कि हम एक ऐसा साइड वन बना ले जिसका वन ऐसा ऐसा क्यूब बना ले जिसका साइड वन हो, बना सकते हैं ना, बोले ऐसा क्यूब, आई कैन मेक अ क्यूब हियर जिसका साइड वन होगा, ठीक है, ये इसका फैक्टर है, करेक्ट, तो इसको डिवाइड करने पे ऐसा क्यूब भी बन सकता है, ऐसा क्यूब, मैं एक ऐसा क्यूब बना लो जिसका साइड टू होगा, बोलो टू भी इसका फैक्टर है कि नहीं है, है ना, तो मैं एक ऐसा क्यूब बना लूं जिसका साइड वन होगा, मैं एक ऐसा क्यूब जिसका साइड टू होगा, सारे इसके फैक्टर है, सारे 21 और 10 क्यूब, मतलब सारे आपके क्या है 9261000 के सारे फैक्टर होंगे, वन क्यूब होगा, टू क्यूब इसके फैक्टर होंगे, ठीक है, आगे आप बढ़ोगे तो 3 क्यूब भी फैक्टर होगा, क्योंकि 21 तो क्यूब तुम्हारा क्या होता है, इट इज 7 क्यूब इंटू 3 क्यूब, तो बहुत सारे फैक्टर होंगे इसके, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो। खैर अभी आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा, तो ये बोल रहे हैं कि हमने इसको बस हमने डिवाइड कर दिया है एन नंबर ऑफ क्यूब्स विद इंटीग्रल साइड्स, ठीक है, हमने क्या कर दिया इसको इंटीग्रल साइड में डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, अच्छा फाइन, अब आगे क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कंटिन्यूड बाय टेकिंग एन इन असेंडिंग ऑर्डर अंटिल ऑल द डिजिट्स ऑफ द पासवर्ड आर फाउंड आउट, तो ये जो प्रोसेस है डिवीजन का, इट इज कंटिन्यूड बाय टेकिंग एन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अंटिल ऑल द डिजिट्स ऑफ द पासवर्ड आर फाउंड आउट, मतलब कितने मेरे को कितने कितने क्यूब्स लेने हैं, मेरे को कितने क्यूब्स लेने हैं, तो आप बोलोगे सर यहां पे 8 डिजिट पासवर्ड है, तो मेरे को यहां पे 8 चाहिए होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, मेरे को 8 चाहिए होगा क्योंकि आपके पास यहां पे 8 डिजिट पासवर्ड है, तो बोलोगे कब तक ये क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कंटिन्यूड बाय टेकिंग एन इन एन असेंडिंग ऑर्डर अंटिल ऑल द डिजिट्स ऑफ द पासवर्ड आर फाउंड आउट, तो हमने पासवर्ड मेरा 8 डिजिट का है, तो हम इसको n को डिवाइड करते रहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में जब तक मेरे को n जब तक मेरे को क्यूब का सारा डिजिट नहीं मिल जाए, ठीक है, फाइन, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ईच डिजिट ऑफ द पासवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ द अनएक्सप्रेस्ड अनएक्सपोज्ड क्यूब्स ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ इंटीग्रल ऑफ द ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्यूब, तो देखो अब ना ये बाद की बात आ गई, इसको देखेंगे, वी लुक एट दिस पार्ट, ठीक है, बट ये ना ये बाद की बात है, अभी मुझे किस चीज से फोकस करना है, तो अभी मुझे फोकस करना है इस चीज पे कि ईच डिजिट ऑफ द पासवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ द अनएक्सपोज्ड क्यूब्स ड्यूरिंग द ईच डिवीजन ऑफ ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्यूब, मतलब हमको क्या करना है ना, हमको उसका डिजिट सम करना है, तो ये तो बाद की बात हो गई ना, हमारा फोकस कहां पे होगा, हमारा फोकस होगा इस लाइन पे, दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कंटिन्यूड by taking n in ascending order until all the digits of the password are found out. जब तक हम सारे digit नहीं निकाल लेते password के, तब तक हम इसको ascending order में इसके factor डालते रहेंगे, ठीक है, now understand this guys, इसके factor डालेंगे ascending order में, इसका क्या मतलब है, ठीक है, देखो, now look at this part here, तो मैं बोलूंगा मेरे को यहाँ पे 8 digit के password चाहिए, है ना, what I want here, तो I want here 8 digit का password, okay, 8 डिजिट के पासवर्ड के लिए मुझे यहां पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तुम्हारा एन क्यूब बताओ कितना है, व्हाट इज योर एन क्यूब हियर, तो आप बोलोगे एन क्यूब था मेरा 21 क्यूब इंटू 10 क्यूब था ना, नाउ टेल मी इसका फैक्टर्स लिखते जाओ असेंडिंग ऑर्डर में, क्या क्या बताओ इसका फैक्टर्स लिखते जाओ असेंडिंग ऑर्डर में, बताओ क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, पहला फैक्टर होगा 1 क्यूब होगा, तो अगर इसका फैक्टर लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में, तो इट्स फर्स्ट फैक्टर विल बी 1 क्यूब, इट्स सेकंड फैक्टर विल बी 2 क्यूब, बोलो करेक्ट, ये 21 है यहां पे, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, अब बोलोगे 1 तो इसका फैक्टर होगा ही, तो 1 क्यूब, 2 इसका फैक्टर होगा, असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, 2 क्यूब भी होगा, ठीक है, 3 भी इसका फैक्टर होगा, बोलोगे यहां से 3 इसका फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा 3 फैक्टर, ठीक है, 1 2 3, क्या 4 इसका फैक्टर है, ठीक है, क्या 4 इसका फैक्टर है, बोलो शुड आई टेक 4 और नॉट, 4 ले कि नहीं ले, 4 ले कि नहीं ले, क्यों नहीं ले 4, क्यों नहीं ले 4, रीजन, हमारे पास यहां पे क्या है, देखो हमारे पास ना, हमें इस 4 को लाने के लिए मुझे यहां पे 4 क्यूब चाहिए होगा, क्या मेरे पास 4 क्यूब अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल ना, क्योंकि इससे तुम्हारा इंटीजर नहीं आएगा, देखो
मैं तुम्हारे पास 10 क्यूब अवेलेबल है, 10 क्यूब कितना होता है, एन इज इक्वल टू 21 क्यूब। अगर तुम 10 क्यूब को ब्रेक करोगे तो 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब हो जाएगा। तो मेरे पास एट द मैक्स 2 क्यूब अवेलेबल है। क्या मेरे पास 4 क्यूब अवेलेबल है? नहीं है ना। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 क्यूब से तो क्या ये इंटीजर आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये लाइन तो फेल हो जाएगा कि मुझे यहां पे इंटीग्रल साइड चाहिए था। व्हाट आई वांटेड, आई वांटेड इंटीग्रल साइड, मुझे इसका फैक्टर होना चाहिए था यहां पे, राइट। तो बोलोगे 4 क्यूब तो यहां पे अवेलेबल नहीं है, तो हम 4 क्यूब यहां पे नहीं ले सकते, आई कैन नॉट टेक 4 क्यूब हियर, राइट। अब क्या हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं? क्या हम 3 के बाद अगला फैक्टर 5 क्यूब ले सकते? बोलोगे हां सर 5 क्यूब ले सकते, 5 क्यूब है मेरे पास, आई हैव 5 क्यूब हियर, तो मैं 5 क्यूब ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं यहां पे 5 क्यूब, तो आई टेक 5 क्यूब हियर, मैं यहां पे लेता हूं 5 क्यूब, ठीक है। उसके क्या मेरे पास 6 इसका फैक्टर है? क्या 6 इसका फैक्टर है? बोलोगे हाँ 6 भी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 भी अवेलेबल है। और 21 क्यूब क्या होता है? 21 क्यूब होता है 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। बोलोगे हाँ बिल्कुल है। बोलोगे यहाँ पे 3 इंटू 2 6 भी मेरा फैक्टर है, तो मेरे पास 6 क्यूब भी अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, राइट, ठीक है। तो 6 क्यूब अवेलेबल है ना, 2 क्यूब भी है, 3 क्यूब है, 6 क्यूब भी होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा सर, 6 के बाद अगला नंबर 7 आता है, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। क्या 7 क्यूब मेरे पास अवेलेबल है? क्या 7 क्यूब अवेलेबल मेरे पास? होगा हाँ बिल्कुल है, ये 7 क्यूब अवेलेबल है, ठीक है। तो 7 क्यूब में भी तुम्हारा इंटीजर आएगा, बिल्कुल आएगा, फाइन। अच्छा क्या मेरे पास 8 क्यूब अवेलेबल है? क्या मेरे पास 8 क्यूब अवेलेबल है? 8 क्यूब अवेलेबल नहीं है, राइट, नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 क्यूब है, तो 8 तो एक ही बार है, 8 का क्यूब तो है ही नहीं मेरे पास, है ना। सो आई डोंट हैव 8 क्यूब हियर। तो बोलोगे यहां तो 8 क्यूब अवेलेबल नहीं है, हटा देते हैं यहां पे 8 क्यूब लिमिट, ठीक है। क्या यहां पे आपका 9 क्यूब अवेलेबल है? ठीक है, तो 9 क्यूब भी नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 का क्यूब है, 9 क्यूब तो नहीं अवेलेबल है मेरे पास, सो आई डोंट हैव 9 क्यूब ऑल्सो, ठीक है। क्या मेरे पास 10 क्यूब है? बोलोगे हाँ 10 क्यूब है, क्योंकि मेरे पास 2 भी है 5 भी है। बोलो सर मेरे पास 10 क्यूब भी है, हाँ, क्योंकि 2 क्यूब भी है और 5 क्यूब है, तो 10 क्यूब भी है मेरे पास, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा 10 क्यूब के असेंडिंग ऑर्डर बढ़ा, लास्ट डिजिट मुझे चाहिए, लास्ट डिजिट बताओ। 11 है मेरे पास, बोलो सर 11 क्यूब नहीं है। 12 क्यूब है मेरे पास, 12 क्यूब नहीं है, 12 क्यूब नहीं है, 12 क्यूब, राइट, 12 क्यूब नहीं है ना, क्योंकि 12 के लिए क्या चाहिए तुमको? तुमको 12 के लिए यहाँ पे, तुमको 12 के लिए क्या चाहिए? 4 क्यूब भी चाहिए और 3 क्यूब भी चाहिए। 4 क्यूब तो है नहीं मेरे पास, मेरे पास सिर्फ 2 क्यूब है। 13 क्यूब है मेरे पास, बोलोगे नहीं है 13 क्यूब, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 13 तो है ही नहीं यहाँ पे। 14 क्यूब है मेरे पास, डू आई हैव 14 क्यूब हियर? बोलो जो है 14 क्यूब हियर, हाँ 14 क्यूब है, करेक्ट, वी हैव 14 क्यूब, राइट। तो मेरे पास 14 क्यूब यहां पे है, क्योंकि मेरे पास 2 क्यूब भी है और मेरे पास 7 क्यूब भी है, मेरे पास 14 क्यूब भी होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरा यहां वाला काम हो गया, ठीक है। तो जो मुझे एट जो मुझे इस एन क्यूब को मुझे क्या करना था, मुझे इस एन क्यूब को ब्रेक करना था असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्यूब्स में। और ये सारे क्यूब तुम्हारे क्या हैं? ये सारे क्यों तुम्हारे असेंडिंग ऑर्डर में है, और इसके आगे भी होगा, बट हम यहां पे रुक जाएंगे। यहां पे क्यों रुक जाएंगे? बिकॉज हमको यहां पे सिर्फ 8 डिजिट पासवर्ड चाहिए। तो लिखा हुआ था द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कंटिन्यूड बाय टेकिंग एन इन असेंडिंग ऑर्डर टिल ऑल द डिजिट्स ऑफ द पासवर्ड आर फाउंड। तो मेरे को सिर्फ 8 डिजिट चाहिए था, ठीक है। तो आई ओनली वॉन्टेड 8 डिजिट, तो हम 8 पे रुक गए, हमें क्योंकि 8 डिजिट का पासवर्ड है। अगर 10 डिजिट का पासवर्ड होता तो हम आगे भी बढ़ते, ठीक है। अगर 10 डिजिट का पासवर्ड होता तो हम आगे ही बढ़ते, राइट, बट यहां पे 8 डिजिट का पासवर्ड है, तो हम यहां पे रुक जाएंगे, विल स्टॉप हियर राइट नाउ, ओके। और ये सारा अभी देखो, जो मैंने यहां पे नंबर लिखा है, अंडरस्टैंड दिस गाइस, जो मैंने यहां पे नंबर लिखा है, ये सारा क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने एक बड़े क्यूब को, हमने क्या किया है, हमने एक 200, ये तुम्हारा क्या है गाइस, दिस इज 210 का क्यूब, तो हमने एक 210 के क्यूब को हमने मल्टीपल टाइम्स ब्रेक किया है ना। तो जैसे तुम्हारा ये क्या है, ये 1 क्यूब है, ठीक है। तो ये 1 क्यूब तुम्हारे ऐसे 1 का क्यूब है ना, 1 1 1 है यहाँ पे, ये सारे तुम्हारे क्या है, सारे 2 का क्यूब है, ठीक है। सर तुम्हारे 2 2 क्यूब है यहाँ पे सारे, ठीक है। सर तुम्हारे पे 3 3 क्यूब है, ये सारे क्यूब है, ठीक है, भले देख के नहीं लगे, ठीक है, ऑल इधर क्यूब्स है, राइट। सारे तुम्हारे यहाँ पे क्यूब है, तुम्हारे ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये सारे यहाँ पे क्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब है सारे, फाइन। सो ऑल इधर क्यूब्स है, तो तुमने क्या किया है, एक बड़े क्यूब को मल्टीपल क्यूब्स में डिवाइड किया है। तो ऐसे यहाँ 14 क्यूब है, इज 14 क्यूब है, ओके, ये तुम्हारा 14 क्यूब है, तो 14 14 एंड 14, दिस इज 14 क्यूब, ठीक है। तो तुमने एक बड़े क्यूब को मल्टीपल क्यूब में डिवाइड किया है, ठीक है, करेक्ट। ये हमने काम किया भैया, इसमें जो भी साइंटिस्ट थे, यहां तक साइंटिस्ट का समझ में आया मुझे, ठीक है। अब देखो साइंटिस्ट आगे क्या बोल रहे हैं, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि ईच डिजिट ऑफ द पासवर्ड, अब ध्यान देना गाइस,
ईच डिजिट ऑफ द पासवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ. अच्छा पहले हमने ये वाला काम खत्म नहीं किया यार, हमने यहां पे क्या किया है दिस यहां देखो ये वाला पार्ट हमने खत्म नहीं किया, इस पार्ट को खत्म करना है हमें. ओके दिस प्रोसेस द स्टैंडर्ड क्यूब इज हाइपोथेटिकली डिवाइडेड इंटू एन नंबर ऑफ क्यूब्स विथ इंटीग्रल साइड्स वेर एन इज अ नेचुरल नंबर. तो अब बोलोगे इसका इंटीग्रल साइड होना चाहिए है ना, एंड एन इज अ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ वन, एन नंबर ऑफ क्यूब्स ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम वन, एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिविजन इज कंटिन्यूड बाई टेकिंग एन इन असेंडिंग. मुझे एन लेना है, क्या मुझे एन क्यूब लेना असेंडिंग ऑर्डर में, क्या मुझे एन क्यूब लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं मुझे क्या लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, मुझे एन लेना है असेंडिंग ऑर्डर में एन. तो मैं बोलूंगा ये तो भैया एन क्यूब था, तो हमारा एन क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे एन हो जाएगा, एन वुड बी वन, एन क्या हो जाएगा वन, एन क्या हो जाएगा टू, एन क्या हो जाएगा थ्री, एन क्या हो जाएगा फोर, एन क्या हो जाएगा सिक्स ठीक है, एन क्या हो जाएगा सेवन, एन क्या हो जाएगा टेन और एन हो जाएगा फोर्टीन. एन क्यूब था, मुझे एन क्यूब से एन चाहिए, एन तक निकाल लिया हमने by taking n in ascending order until the digits of the password are found out. ठीक है अब ध्यान देना, each digit of the password ठीक है. अब देखो अब इसके बाद क्या है ना, तुमने ये सारे क्यूब ले लिया, now each digit of the password starting from leftmost digit represents the sum of the digit. ठीक है रुक जाओ अभी यहां पे पांच क्या छूट गया यार, एक दो तीन अच्छा चार नहीं पांच फाइन ओके नाउ अब ध्यान देना यहां पे. बट अच्छा मेरे को तो लेकिन ये ना आ रही नहीं, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मेरे को तो ये आपके टोटल ही चाहिए होगा ना यार, बिकॉज मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे तो यहां पे एन क्यूब ही चाहिए होगा ना. द प्रोसेस ऑफ डिविजन इज कंटिन्यू बाय टेकिंग एन इन असेंडिंग ऑर्डर अंटिल ऑल द डिजिट्स ऑफ द पासवर्ड आर फाउंड आउट. ठीक है तो हमने इसको मल्टीपल क्यूब्स में डिवाइड किया गया है ठीक है, एंड ईच डिजिट ऑफ द पासवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट रिप्रेजेंट्स द डिजिट्स ऑफ द, वो तो लास्ट वाला बात है राइट. देखो ये तुम्हारा ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्यूब है ओके ध्यान देना यहां पे, अब तुमको यहां समझ में आएगा यहां पे, लुक एट दिस पार्ट हियर, ईच डिजिट ऑफ द पासवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ द अनएक्सपोज्ड क्यूब्स ड्यूरिंग ईच डिविजन ऑफ द ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्यूब. अब तुमको इन पासवर्ड से ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्यूब बनाना है ठीक है, तो समझ ध्यान से यहां पे, तो मेरे को इन पासवर्ड से ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्यूब बना, वापस वही बन गया, वापस से बन गया वन क्यूब, वापस से बन गया टू क्यूब, थ्री क्यूब, फाइव क्यूब ठीक है करते हैं फटाफट, फाइव क्यूब देन सिक्स क्यूब देन सेवन क्यूब देन टेन क्यूब देन फोर्टीन क्यूब, और इसका तुम्हारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा ठीक है. अब देखो फोर्टीन क्यूब है, अब क्या करना है कि हमको यहां से निकालना है अनएक्सपोज क्यूब कितने हैं सारे में, तो हमने वापस से यहां पे अनएक्सपोज क्यूब देखा था, व्हाट इज अनएक्सपोज क्यूब कितना होता है, बोलोगे अगर n क्रॉस n था तो उसका अनएक्सपोज्ड क्यूब कितना था, n माइनस टू का होल क्यूब था ना, तो तुम बोलोगे यहां पे इसका अनएक्सपोज्ड क्यूब कितना होगा, बोलोगे इसका अनएक्सपोज्ड क्यूब यहां पे होगा, अगर तुम्हारा जो क्यूब वन क्यूब है तो ये एक ही ये सिंगल क्यूब है राइट, बोलो यस और नो, ये सिंगल क्यूब है ना, इसमें कुछ अनएक्सपोज्ड क्यूब भी है क्या, बोलो ये सिंगल क्यूब है इसमें कुछ अनएक्सपोज्ड क्यूब भी है क्या बताओ, तो नहीं है ना, तो बोलोगे तो जीरो है, तो वन क्यूब में अनएक्सपोज्ड क्यूब कितना है जीरो ठीक है, क्योंकि एन तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, एन से एन माइनस टू होता है, एन से एन माइनस टू का क्यूब, दिस इज अनएक्सपोज्ड क्यूब राइट ठीक है. सॉरी तो एन से एन माइनस टू क्यूब होता है तुम्हारा अनएक्सपोज्ड क्यूब, अरे असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग मतलब होता है जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो पहले जीरो वन से स्टार्ट किया 14 पे एंड किया, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर है राइट. तो वन क्यूब में अनएक्सपोज्ड क्यूब जीरो, टू क्यूब में अनएक्सपोज्ड क्यूब जीरो, बोलो यस और नो, टू क्यूब में अनएक्सपोज्ड क्यूब जीरो होगा ना, दो ही क्यूब है तो व्हाट इज टू क्यूब का क्या होगा, टू क्यूब का टू माइनस टू क्यूब कितना जीरो क्यूब होगा, तो अगर दो क्यूब का बना हुआ इसमें अनएक्सपोज्ड सब मेरे को दिख रहा है, इमेजिन करो एक रूबिक्स, रूबिक्स में दो ही क्यूब है, दो दो का क्यूब है, तो मेरे को सारे क्यूब दिख रहा है रूबिक्स में ठीक है, कोई अनएक्सपोज्ड है ही नहीं इसमें, तो अनएक्सपोज्ड कहां से स्टार्ट होगा, अनएक्सपोज्ड यहां से स्टार्ट होगा, थ्री क्यूब से स्टार्ट होगा ठीक है, बोलोगे थ्री क्यूब में अनएक्सपोज्ड क्यूब कितना है, तो थ्री से कितना हो जाएगा, थ्री क्यूब से थ्री माइनस टू का होल क्यूब कितना हो जाएगा, वन क्यूब है ना, तो बोलोगे थ्री क्यूब में अनएक्सपोज्ड इज वन. हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल किया था
हमने वहां भी यही किया था कि आपका अनएक्सपोज्ड क्यूब इज 1, है ना, क्योंकि जो जो तीन क्यूब है, राइट, तीन क्यूब है तो आपको 27 छोटे छोटे क्यूब है, उसके बिल्कुल बीच में एक क्यूब होगा जो कि वो मेरे को नहीं दिख रहा है. ओके, तो आप दो लेयर हटाओगे, दो दो लेयर हटाओगे, दो लेंथ हटाओगे, दो ब्रेथ हटाओगे और दो हाइट हटाओगे, है ना, तो बीच में आपको एक क्यूब बचेगा, अनएक्सपोज्ड क्यूब, राइट. फाइव क्यूब का अनएक्सपोज्ड कितना हो जाएगा, 5 - 2, 3 का क्यूब 27. 6 क्यूब का अनएक्सपोज्ड क्यूब कितना हो जाएगा, 6 क्यूब का अनएक्सपोज्ड क्यूब कितना होगा, 6 - 2 का होल क्यूब इज 4 क्यूब. एक मिनट, आई टेक इट आउट, एक मिनट, ठीक है, 64 हो जाएगा, है ना. 7 - 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा. 7 - 2, 5 का क्यूब, 10 से 10 - 2, 10 से 10 - 2 इज 10, 8, 8 क्यूब इज 512. एंड 14 क्यूब का कितना हो जाएगा, 14 - 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे दैट इज इक्वल टू 12 क्यूब इज इक्वल टू 1728. कुछ गड़बड़ नहीं है यार, समझो यहाँ पे, देखो सवाल समझना, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन अगेन गाइस. मैंने देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने यहाँ पे दो काम किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, ठीक है, वापस समझो, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन समझो क्वेश्चन को, ठीक है. डिवाइड तो बड़े क्यूब को करना था, बट बड़े क्यूब के बहुत सारे फैक्टर बनेंगे, ठीक है. स्टार्टिंग में क्या बोला गया था हमसे कि पासवर्ड कैन बी फाउंड आउट, इस नंबर को यूज करके हमको पासवर्ड फाउंड आउट करना है, ठीक है. और उसके बाद तुम्हारा 9261000, ये तुम्हारा वॉल्यूम है स्टैंडर्ड क्यूब का. क्या किया गया, इस स्टैंडर्ड क्यूब को हाइपोथेटिकली एन नंबर ऑफ क्यूब्स में डिवाइड किया गया, समझ रहे हो, हाइपोथेटिकली मतलब अपने मन में डिवाइड करो. सुन लो ना भैया, आपस में कोई फायदा नहीं है, वो यश गलत बोल रहे थे उसको प्लस वन कर दोगे, मैं सही बोल रहा हूं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, ये दुनिया है, ठीक है. तो इसे सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा मैं काम आऊंगा, यश तो भी काम नहीं आएगा, यश बाद में काम आएगा, मे बी इस बारे में पहुंच जाएगा, तो अभी नहीं काम आएगा. देखो तो यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि टोटल तुम्हारा ये कितना चलेगा, तो आप बोलोगे एक बड़ा बड़ा वाला क्यूब है हमारे पास, है ना. तो मैंने एक बड़े क्यूब को डिवाइड किया एन क्यूब में, ठीक है, अंडरस्टैंड, सुनना ध्यान से मेरी बात, ठीक है. बड़ा क्यूब क्या था आपका, 210 का क्यूब था. सो 210 का क्यूब इज 9261000. इस बड़े क्यूब को हमने डिवाइड कैसे किया, तो हम, मैं बोलूंगा हमने डिवाइड किया एन स्मॉलर क्यूब में. एन क्या है, स्मॉलर, हाइपोथेटिकल क्यूब में, राइट. तो बड़े क्यूब को जब डिवाइड करोगे तो साइड इंटीग्रल आना चाहिए, समझ में आ रही सबको बात, बोलो. जब बड़े क्यूब को डिवाइड करोगे साइड तुम्हारा इंटीग्रल होना चाहिए. तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी तुम बड़े क्यूब को डिवाइड करोगे और तुम्हारे सारे साइड्स इंटीग्रल बचने चाहिए, क्यूब्स के भी और बड़े वाले क्यूब के भी, तो तुम्हारा बड़े क्यूब का वॉल्यूम कितना है, बोलोगे सर 210 का क्यूब वॉल्यूम है इसका. व्हाट इज 210 क्यूब, 21 क्यूब इंटू 10 क्यूब, व्हाट इज दैट, बोलोगे ये 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब है. दिस इज 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. तो हम हर बार एक ऐसे नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, क्योंकि हमको इसको डिवाइड करना है एन क्यूब में, इसको हम एक ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि हमारी वैल्यू यहां पे इंटीजर आए. तो जब भी हमको डिवाइड करने के बाद इंटीजर वैल्यू आए तो ये क्या होगा, दैट मींस व्हाट, वी आर डिवाइडिंग बाय फैक्टर. हम क्या कर रहे हैं इसको, वी आर डिवाइडिंग बाय फैक्टर्स, ठीक है. तो इसका अब बोला गया है कि आप तब तक डिवाइड करते हो फैक्टर्स में जब तक आपको यहां पर डिवाइड करना है नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. और कब तक डिवाइड करते हो फैक्टर में, असेंडिंग ऑर्डर में, जब तक आपको पासवर्ड के हम 8 डिजिट तक नहीं पहुंच जाए, ठीक है. तो हम मतलब हम 8 बार डिवाइड करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो 8 बार डिवाइड करेंगे, जब हम 8 टाइम्स डिवाइड करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा हमारे पास कि ये 1 क्यूब, फिर इसका 2 क्यूब फैक्टर, फिर असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, राइट. इनका फैक्टर ले रहे हैं हम, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 4 क्यूब फैक्टर नहीं था इसका, 6 क्यूब 7 क्यूब 10 क्यूब 14 क्यूब, है ना, बाकी जो बीच में गैप है उसके फैक्टर नहीं थे. तो हमने यहां तक सारा काम कर दिया, ठीक है. अब क्या बोला गया था कि ये बेसिकली यहां पे एन क्यूब है, हाँ, मतलब ये तुम्हारे सारे एन की वैल्यू है, बट हमको लास्ट में जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्यूब है ना, हमको उसमें से अनएक्सपोज्ड क्यूब निकालना था, ठीक है. तो ईच, देखो यह सवाल क्या है यहां पे, ईच डिजिट ऑफ द पासवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ द अनएक्सपोज्ड क्यूब ड्यूरिंग ईच डिविजन ऑफ ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्यूब. ईच डिविजन मतलब तुमने 8 बार डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Each division of the original standard cube. तो ये तुम्हारा original standard cube है ये.
1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 10 क्यूब 14 क्यूब, इसके हर एक डिवीजन से ठीक है, तुमको क्या निकालना है, अनएक्सपोज्ड क्यूब्स निकालना है। कितने अनएक्सपोज्ड क्यूब निकलेंगे? 8 अनएक्सपोज्ड क्यूब निकलेंगे, 8 नंबर मिलेंगे। और मेरा पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है क्या, पासवर्ड इन सब का पासवर्ड तो क्या है यहां पे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ अनएक्सपोज्ड क्यूब। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, तो एक्चुअल पासवर्ड क्या आएगा, मेरे को यहां पे इसके डिजिट्स को सम करना है। डिजिट्स का सम क्या होगा, 0 का सम 0, 0 का सम 0, 1 का सम 1, 2 + 7 = 9, 6 + 4 = 10। बट मुझे यहां पे डिजिटल सम करना है। देखो यहां लिखा है एग्जांपल, 92 = 9 + 2 = 11 एंड 11 is again 1 + 1 = 2। ठीक है, तो 2 + 7 = 9, ठीक है, 2 + 7 = 9, 6 + 4 = 10, बट 10 again 1 + 0 = 2, 1। ठीक है, 1 + 2 + 5 = 8, 5 + 1 + 2 = what, that is again 8, and 1 + 7 = 8, +2 = 10 + 18 = 18, and again 1 + 8 = 9। तो ये आपका हो गया एक्चुअल पासवर्ड, 00191889, ये हो गया इस सवाल का आंसर आपका। ठीक है, देखो कोई डाउट है से बताओ मेरे को, एक मिनट। हाँ अब बताइए, मतलब क्यूब को डिवाइड किया अनएक्सपोज्ड क्यूब, बताया था मतलब कितना पता, जो स्टार्टिंग से यही से स्टार्ट किया था, आधे क्लास के बीच में ज्वाइन करके से होगा। अनएक्सपोज्ड क्यूब का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास एक एन क्रॉस एन का क्यूब है, तुम उसको दो दो लेयर हटा रहे हो, ठीक है, लेफ्ट साइड से दो लेयर, राइट साइड, मतलब बताए स्टार्टिंग में बताया था, तुम तो हो गए नहीं स्टार्टिंग में। देखो अनएक्सपोज्ड क्यूब का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ अनएक्सपोज्ड क्यूब इज, मान लो ऐसे ये क्यूब है मेरे पास, ठीक है, इस क्यूब में तुम्हारे पास कितने 27 क्यूब्स है, मतलब एक डिवाइड कर रहा हूं मैं इस तरीके से, ऐसे कट कर रहा हूं मैं, ठीक है, इफ आई एम कटिंग लाइक दिस, तो इस केस में क्या हो रहा है ना कि टोटल मेरे पास 3 × 3 × 3, मेरे को टोटल 27 क्यूब मिल रहा है। इस 27 क्यूब में तरह तुम ऑब्जर्व करोगे, तो हमने यहां पे क्या किया कि यहां से एक लेयर यहां से काट दो, मतलब कट कर दो, रिमूव कर दो यहां से एक लेयर, ठीक है, इस पॉइंट से एक लेयर यहां से काट के हटा दो, साइड का पूरा लेयर हटा दिया, ठीक है, ये पूरा इधर से एक हटा दिया, तो ऐसे क्या बोला कि आपने आपका जो 3 × 3 का क्यूब था यहां पे, आप लेंथ ब्रेथ और हाइट में था, तो लेंथ का दो लेयर साइड का काट दो तो 1 बचेगा, ब्रेथ का दो लेयर साइड का काट दो 1 बचेगा, और हाइट का दो लेयर ऊपर नीचे से एक एक काट दो 1 बचेगा, तो क्या मिलेगा, मतलब लिटरली क्यूब खुल गया, ठीक है, ये क्यूब के बिल्कुल अंदर में कितना क्यूब बचा है, ओनली 1 क्यूब, एक क्यूब होगा जो बिल्कुल यहां बीच में होगा, जो बाहर से नहीं दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं अनएक्सपोज्ड क्यूब, बोलते हैं इसी चीज को, ठीक है, दिस कॉल्ड अनएक्सपोज्ड क्यूब। ओके, ओके, बोलो इज दिस क्लियर एवरीवन, नाउ कोई डाउट किसी को, करेक्ट, एक ही तरह बनाया था पीपीटी, ठीक है, बाकी अब अगले क्लास में करेंगे।
45 मिनट का सेट नहीं था, 45 मिनट्स का मैं बता दे, एक ही सेट लगेगा। वही गलत क्या सानिध्य? आई थॉट आंसर दो ना वहीं पे। ठीक है, क्या डाउट है? ठीक तो सब क्लियर तो हो गया, क्या बचा? हाँ वही देखना है कि 210 का यहाँ पे क्यूब है, तो 210 क्यूब से तुमको कितने तुम डिवाइड कर सकते हो इंटीग्रल क्यूब में। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं इंटीग्रल क्यूब में? सारे फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे ना, सो ऑल फैक्टर, 1 क्यूब, 2 क्यूब, सारे फैक्टर होंगे इसके, और क्या, ऑल फैक्टर्स। हाँ अच्छा सेट है, तो गुड सेट, बढ़िया सेट था ये। ठीक है, सो अच्छा सा सेट था। तो वो इधर लॉजिक ऐसे ही देखो, यही सब चीज़ है। ठीक है, एलआरडी यही है, इधर सारे सेट करते हैं हम लोग, प्लस में, स्पेशल क्लास में, यूट्यूब पे, सब सेट को ना कंबाइन करते जाओ। ठीक है, सब लॉजिक को कंबाइन करते जाओगे तो दिमाग खुलता जाएगा। ठीक है, और कैट में आप वो दो मैजिकल सेट अटेम्प्ट कर पाओगे जो आपको 99+ दे जाएगा कैट में। ठीक है, तो दिमाग, इट्स ऑल अबाउट ओपनिंग अप, लाइक अपने दिमाग को खोलना है। ठीक है, सो लॉजिक को ओपन करना है, माइंड को ओपन अप करना है, ओके, ब्रेन को शार्प करना है, यही तरीका है। सारी साइड काउंट कर ली, बैक साइड भी काउंट हो जाएगा ना, हमने -2 किया तो बैक साइड भी काउंट हो गया। ठीक है, एक फ्रंट से हटाया, एक बैक से हटाया, तो बैक भी काउंट हो गया। ठीक है, लैंग्वेज क्लियर ही नहीं तो बट आपको समझने के। ठीक है, याद कैसे रहेगा? ऐसे ही याद रहेगा यार। ठीक है, तो ह्यूमन, देखो इंसान का माइंड बहुत बड़ा चीज होता है। ठीक है, ह्यूमन माइंड इज अ ग्रेट थिंग। ओके, देखो देख रहे हो, चंद्रयान ने पहुंच गया, चांद ने पहुंचा देते हैं रॉकेट को दिमाग लगा लगा के, तुमको सेट नहीं याद हो रहा तुमसे। ठीक है, प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, रिवाइज करो, नए सेट सॉल्व करो, दिमाग को ग्रो करो। ठीक है, ह्यूमन माइंड हैज गॉट प्लेंटी ऑफ थिंग। बचपन से ना हमारे दिमाग में बहुत डेटाबेस है हमारे दिमाग में। ठीक है, अगर मैं अभी यूट्यूब, अगर मैं अभी गूगल करूंगा ना कि चिकन खाने से क्या क्या नुकसान है, तो वहां पे लाख्स ऑफ आर्टिकल आ जाएगा कि चिकन खाने के क्या क्या नुकसान है। ठीक है, फिर अगर मैं गूगल करूंगा ना कि चिकन खाने के क्या क्या फायदे हैं, तो लाख्स ऑफ आर्टिकल आएगा चिकन खाने के क्या क्या फायदे हैं, प्रोटीन है, ये है, वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो गूगल क्या है, एक ह्यूज डेटा का बेस है, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, हमारा माइंड भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने माइंड को लोगे ये नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइंड के पास हजार चीज सोचने को है, नहीं हो पाएगा, छोड़ो, नेटफ्लिक्स करते हैं, जॉब कर लेंगे, ये कर लेंगे, बैठेंगे, घूमने जाएंगे, तो माइंड को लोगे नहीं करना है, करना हाँ तो करना है यार, आईएम जाना है, 2 लाख का सैलरी लेना है, का लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए माइंड में हमारा ऐसे ही वर्क करता है, माइंड के पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, तुम उसको कैसे यूज करते हो तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, दैट्स कंप्लीटली ऑन टू यू। ठीक है, हाँ बाबा, एन क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं कि साइड उसका इंटेजर आएगा, तो साइड अगर इंटेजर आएगा तो उसके फैक्टर होंगे ना, डिवाइड करने पे इंटेजर आएगा, तो एन क्यूब क्या होगा? ऑब्वियसली एक बड़ा सा क्यूब है 210 क्यूब का, तो उससे एक छोटा सा 1 क्यूब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे एक छोटा सा 1 क्यूब भी निकाल सकते हैं, उससे एक छोटा सा 2 क्यूब भी निकाल सकते हैं, उससे एक छोटा सा 3 क्यूब भी निकाल सकते हैं। ये बोला गया है कि डिवाइड करते रहो हाइपोथेटिकली इंटू एन नंबर ऑफ क्यूब्स, तो बहुत सारे क्यूब बन जाएंगे। बट हमको कब तक रुकना है? दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड बाई टेकिंग एन इन असेंडिंग ऑर्डर अंटिल ऑल डेट्स ऑफ पासवर्ड आर फाउंड। दस हमको तभी तक लेना है, तो हमको 8 तक पे रुक जाना है, वी हैव टू स्टॉप टिल 8, तो हमको 8 तक पे, बट बनेगा बहुत सारे ऐसे, तो ठीक है, 14 का भी नंबर आएंगे यहाँ पे, हमको 8 तक रुक जाना है। ठीक है, डिवाइड क्यों करेंगे? हमको पता है कि इसके फैक्टर हैं, तो डिवाइड करने में इंटजर ही आएगा, तो डिवाइड क्यों करेंगे फिर? जब हमको पता है कि हम फैक्टर ले रहे हैं तो इंटजर ही आएगा, ऑब्वियसली पता है, दैट्स द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स, राइट? ठीक है, हाँ तो मैंने ना थोड़ा आईज में बहुत पानी आ रहा है, वो आईज को दिखाना पड़ेगा, आईज दिखाऊंगा थोड़ा, दिखता हूँ। ठीक है, चलो बाय फिर, चलो तो जिम जाता हूँ, जिम से आता हूँ। ओके, 8 कैसे? 8 तो फैक्टर ही नहीं है इसका, 8 कहाँ फैक्टर है बोलो? ये ओनली 8 है, 8 क्यूब होना चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 क्यूब होना चाहिए, 8 क्यूब कैसे आएगा? तो 2 क्यूब है, 2 क्यूब मीन्स ओनली 8 होता है, बट हमको तो यहाँ पे 8 क्यूब चाहिएगा, तो 8 क्यूब नहीं है ना मेरे पास। ओके, चलो,
ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय। देखो अभी कॉल कर रहा है, फिर कहाँ है, अभी तो कुछ कमेंट करा वही वाला यश है क्या, तुरंत कॉल करने लगा। ठीक है चलो बताओ, हाँ बताता हूँ मौका। ओके एयरटेल प्रमोशन, मैं हूं ना मन्ना, ठीक है डोंट वरी, चलो बाय, मिलते हैं कल, मिलते हैं रात, रात में मिलते हैं प्लस क्लास में 10 PM पे, ठीक है बाकी आगे करेंगे। सॉरी, चलो टेक केयर, बाय बाय।